लेकिन एनकाउंटर ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। देखिए महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इसकी गूंज काफी सुनाई दे रही है। अब बिहार में एनकाउंटर को लेकर सरकार में जो मंत्री हैं नीरज सिंह बबलू, वो दरअसल एक मॉडल की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या मांग रखी है आपको इस रिपोर्ट में दिखा। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तीनों तस्वीरें एनकाउंटर की हैं, जिसमें एक तस्वीर महाराष्ट्र की और दो उत्तर प्रदेश की हैं। लेकिन क्या अब बिहार भी यूपी और महाराष्ट्र की राह पर चलेगा? क्या यहाँ भी अपराधियों का फैसला ऑन द स्पॉट होगा? जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है, तो अपराधियों के दिल में खौफ पैदा करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जाती है। यूपी में थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इससे पहले महाराष्ट्र में हुआ करता था, तो एनकाउंटर कहीं न कहीं जरूरी भी हो जाता है। बिहार में बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज बबलू का यह बयान अपराधियों में खौफ पैदा करने वाला है, क्योंकि जो अपराध हमेशा से बिहार की सबसे बड़ी समस्या रहा, उसका हल नीरज बबलू ने बिहार की नीतीश सरकार के सामने यूं रखा। लेकिन जेडीयू को नीरज बबलू का बयान रास नहीं आया। ये संविधान में नहीं है, ये संवैधानिक मुताबिक बिहार चलता है, हमारे नेता ने चलाते हैं। यूपी बात नहीं, हाँ जो गड़बड़ करता हो, गलत करता हो, कार्रवाई होनी चाहिए, वो कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।